हे भाई लोग, क्या हाल चाल है? सब कुछ ठीक है दोस्तों? आज हम देखने वाले हैं 2005 में आई मूवी अ बिटर स्वीट लाइफ को, जो बेहद ही खतरनाक है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस कहानी को देखने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम कहानी के मेन किरदार को देखते हैं, जिसका नाम है सुनवो। सुनवो अपने बॉस यानी कि मिस्टर कैंग के लिए काम करता था। वो एक होटल संभालता था जो कि मिस्टर कैंग का ही था। हर रात की तरह सुनवो आज भी अपने होटल में ही था। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो लेट होने के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रहे थे और वो सबको परेशान कर रहे थे। तब सुनवो वहां पे आता है और कहता है कि मैं तीन तक गिनूंगा, अगर तुम नहीं गए तो। सुनवो के तीन गिनने के बाद भी वो लोग वहां से नहीं जाते हैं। फिर सुनवो अपने असली अवतार में आता है और इनको जम के धोबी पछाड़ लगाकर वहां से बाहर भगा देता है। इसके बाद कहानी पहुंच जाती है डाइनिंग टेबल पर, जहां मिस्टर कैंग यानी सुनवो के बॉस और सुनवो बैठे होते हैं। मिस्टर कैंग सुनवो से कहते हैं कि एक गैंग है जो हमारे इस होटल को लेना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। इसके साथ ही मिस्टर कैंग सुनवो को एक और परेशानी बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो शंघाई में रहती है, मुझे लगता है कि वो मुझे चीट कर रही है, इसलिए तुम जाओ और जाकर उस पर पूरी पूरी नजर रखो। अगर मेरा शक सही है तो उसे और उसके दोस्त को वहीं पर जान से मार डालो। इसके बाद सुनवो शंघाई के लिए निकल जाता है और बॉस की गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें बॉस की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है, जो बेहद ही खूबसूरत थी। वो भी इतनी ज्यादा खूबसूरत कि सुनवो भी उसे पहली ही नजर में पसंद करने लगा था, अपना दिल दे बैठता है वो उसे। इसका नाम है हिसो। असल में यही हमारी कहानी की मेल एक्ट्रेस भी है। सुनवो हिसो से कहता है कि बॉस ने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है। तभी हिसो को एक सस्पिशियस कॉल आता है और वो बाहर जाना चाहती है, लेकिन सुनवो कहता है कि मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दे सकता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें घुमा सकता हूँ। हालांकि हिसो सुनवो के साथ जाने से मना कर देती है। इसके बाद सुनवो हिसो के घर के बाहर ही रुक जाता है और कुछ देर के बाद एक गाड़ी आती है जिसमें बैठकर हिसो निकल जाती है। असल में यह हिसो का फ्रेंड था जिसके साथ वो दिन भर घूमती है। सुनवो भी उस पर पूरी नजर बनाए रखता है। शाम होते ही जब हिसो घर पर आती है तो उसे पता चलता है कि सुनवो उस पर नजर रख रहा है। अगले सीन में हमें सुनवो और उसका दोस्त मनसुख नजर आता है। मनसुख सुनवो से कहता है कि होटल में जिन लोगों की तुमने पिटाई की थी वो ऑपोजिट गैंग के लोग थे और अब वो लोग पंगा जरूर लेंगे, क्योंकि उनका बॉस है प्रेसिडेंट बी। इसी बीच एक के बाद एक लगातार बी के कॉल आने लगते हैं। सुनवो काफी देर बाद बी का फोन उठाता है और कहता है कि मुझे होटल सेल नहीं करना है, तुम्हें जो भी बात करनी है आमने सामने आकर करो। इसी के साथ सुनवो बी का फोन काट देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बीक को देखते हैं, जिसका एक चेला उसकी इस बेइज्जती पर हंस रहा था, इसलिए बीक मोबाइल फोन से ही उसे मार डालता है। यानी कि बीक काफी खतरनाक बंदा है। उसी रात सुनवो घर पर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। असल में सुनवो को हिसो की खूबसूरती ने दीवाना बना दिया था। वो लगातार हिसो के बारे में ही सोचे जा रहा था। काफी देर बाद आखिरकार सुनवो को नींद आती है और फिर वो सो जाता है। अगली सुबह जब सुनवो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि हिसो का मैसेज आया है और उसने उसे मिलने के लिए बुलाया है। दोस्तों फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां ये लंच करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक मॉल में जाते हैं। अब क्योंकि हमारा हीरो बहुत ही शर्मीला था तो हिसो कहती है कि तुमसे बात करना बहुत बोरिंग है। यहाँ हिसो को एक लैम्प पसंद आता है, लेकिन उसका जो रेट था वो बहुत ज्यादा था, इसलिए हिसो उसे वहीं पर छोड़ देती है। इसके बाद हिसो चेलो क्लास चली जाती है, जहां वो बहुत ही खूबसूरती से चेलो बजा रही थी। सुनवो भी उसका पीछा कर रहा था और उसके चेलो बजाने के अंदाज से काफी इंप्रेस था। तभी सुनवो को उसके फ्रेंड का फोन आता है, जो बताता है कि बीक अब होटल में आ चुका है। फिर सुनवो होटल पहुंचता है, जहां बीक कहता है कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सुनवो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने अपना आदमी मुझे धमकाने के लिए भेजा था, पर मैं इस होटल को सेल नहीं करना चाहता, इसलिए अभी निकल जाओ यहां से। इसके बाद सुनवो हिसो के प्रैक्टिस क्लास में जाता है, जहां उसे हिसो का फ्रेंड नजर आता है, इसलिए वो इनका पीछा करता है और हिसो के घर पहुंचते ही वहां से वापस जाने लगता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है और वो फोन पर बात करने लगता है, पर इसी बीच एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। सुनवो देखता है कि ये तो हिसो का फ्रेंड है और अब ये वापस हिसो के घर जा रहा है। सुनवो दबे पांव हिसो के घर पहुंचता है, जहां उन दोनों के बीच कार्यक्रम जारी था। यानी कि बॉस का शक बिल्कुल सही था, हिसो का उसके फ्रेंड के साथ चक्कर था। सुनवो हिसो के फ्रेंड को बहुत मारता है, ये देखकर जो हिसो है
वो रोने लगती है। इसलिए सुनवू उसे एक और चांस देने का सोचता है। वो उसे कहता है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, तुम इसे भूल जाओ। इसके बाद हिसो का फ्रेंड वहां से चला जाता है, लेकिन हिसो सुनवू से कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और ये मुमकिन नहीं है कि मैं उसे भूल जाऊं। सुनवू कहता है कि ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, लेकिन हिसो उसकी एक नहीं सुनती और सुनवू को वहां से बाहर निकाल देती है। सुनवू जब अपने घर की पार्किंग में पहुंचता है तो वहां उसे एक आदमी मिलता है जो सुनवू का ही इंतजार कर रहा था। यह आदमी सुनवू से कहता है कि तुम्हें सिर्फ 3 वर्ड बोलने हैं कि मैं गलत था। असल में इस आदमी को बीक ने भेजा था, पर सुनवू उससे कहता है कि तुम फाड़ में जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर कैंग को हिसो के पास देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हिसो उनसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। इसलिए मिस्टर कैंग हिसो को धमकाता है। अगले सीन में हमें सुनवू नजर आता है जो अब हिसो के ख्यालों में गुम था। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं और रस्सी से उसे उल्टा लटका दिया जाता है। और फिर वहां पर एंट्री होती है बीक की। बीक कहता है कि तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है बच्चों, अब तुम्हारी हंसी का गई, हंसो। अरे हंसो ना। बीक सुनवू को मार नहीं वाला था कि तभी उसके पास एक फोन आता है और सुनवू को बांधकर एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है। और यहाँ पर आता है सुनवू का बॉस। असल में दोस्तों, सुनवू का बॉस यानी कि मिस्टर कैंग को सब मालूम था, इसलिए वो सुनवू से बहुत नाराज था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर कैंग और बीक दोनों एक साथ काम करने लगे थे। बॉस सुनवू से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सुनवू कहता है कि मुझे लगा ये रास्ता सही है। बॉस सुनवू के फ्रेंड मनसूख को इंस्ट्रक्शन देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद मनसूख, जो सुनवू का सबसे अच्छा दोस्त था, वो अपनी गैंग के साथ मिलकर सुनवू को जिंदा ही जमीन में दफना देता है। लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी तो सुनवू जैसे तैसे वहां से बाहर निकल आता है। लेकिन अब भी मनसूख अपने चमचों के साथ वहीं बैठा था। मनसूख कहता है कि ये लो, मेरे फोन में भी बॉस का फोन आएगा, तुम उनसे बात कर सकते हो। लेकिन सुनवू खुद ही बॉस को फोन लगाता है और बात करता है। बात करके जब सुनवू फोन मनसूख को लौटा रहा था तो मनसूख देखता है कि फोन में बैटरी तो है ही नहीं, फिर बात कैसे हुई। इससे पहले कि घनचक का मनसूख को समझता, सुनवू बैटरी से उसकी आंख फोड़ देता है और वहां से चला जाता है और एक एक करके सबको मारते हुए वहां से निकल जाता है। सीन एक बार फिर से पलटी मारता है और हम मिस्टर कैंग और बीक को देखते हैं जो अब एक साथ काम करने लगे थे। मिस्टर कैंग यहाँ एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक लड़का था, वो मेरा काम करता था, मुझे उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन एक दिन उससे एक गलती हो गई। मैं बस इतना चाहता था कि वो अपनी गलती मान ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे मजबूरी में उसे मारना पड़ा। असल में ये कहानी सुनवू की थी। अब सुनवू नहा धोकर नया होकर अपनी फ्रेंड को फोन करता है और कुछ पैसे मांगता है और एक सप्लायर से सीक्रेट प्लेस पर मिलता है। असल में अब सुनवू अपने बॉस को टपकाना चाहता था। वो जानता था कि इसके लिए उसे बहुत सारी गन्स की जरूरत है। इधर गैंग का आदमी जब सुनवू को देखता है तो उसे वो कुछ अजीब बोल तो सस्पिशियस लगता है। इसलिए वो सुनवू को अपने बॉस के पास लेकर जाता है, जहां हमें नजर आते हैं मोटेलाल, मतलब सप्लायर का बॉस। यहां सुनवू सप्लायर के बॉस को अपने और अपनी गैंग के बारे में सब बता देता है, जिस पर वो उसे हाल ही में आई एक गन दिखाता है और उसे चलाना, खोलना, बंद करना, मतलब उससे जुड़ी ABCD सुनवू को बताता है। तभी सप्लायर का बॉस होटल में फोन लगाता है ताकि वो सुनवू की कहानी कंफर्म कर सके और उसे सब पता चल जाता है। साथ ही एक इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि सुनवू को मार डाले। सप्लायर का बॉस गन उठाने ही वाला था कि तभी सुनवू उसी गन से सबको मार डालता है और वहां से भाग जाता है। उसी रात सुनवू बी के पास पहुंचता है, जो सुनवू को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से अब तक सुनवू को मर जाना चाहिए था। यहाँ सुनवू बीक से कहता है कि अब तुम्हारी हंसी कहाँ पे गायब हो गई, हंसो। बीक कहता है जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसे प्रोफेशनल काम समझकर भूल जाओ। पर सुनवू कहता है कि वो भूल जाऊं पर उसे करने वाले को मार डालूं तो। बीक चालाकी से सुनवू के पास आता है और उसे समझाने के बहाने उसके पेट में चाकू खुसेड़ देता है, जिससे सुनवू बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। पर वो अपनी गन निकालता है और बीक का खेल खत्म कर देता है। इसके बाद सुनवू हिसो को फोन लगाता है क्योंकि वो एक बार उसकी आवाज सुनना चाहता था, पर हिसो उसका फोन मिस कर देती है। तभी हम हिसो को देखते हैं जिसके पास एक गिफ्ट आया है। असल में ये गिफ्ट सुनवू ने ही भेजा है और उसमें वही लैंप है जो हिसो को मॉल में पसंद आया था। हिसो ये लैंप देखकर बहुत खुश होती है और सीन तुरंत ही शिफ्ट हो जाता है।
जहां हम सुनवू को देखते हैं जो अपने घाव पर मल्लम पट्टी करके अपने फ्रेंड के पास जाता है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। और यहां सुनवू अपने फ्रेंड यानी मनसुख को मार डालता है। इसके बाद सुनवू सीधा मिस्टर कैंग यानी कि अपने बॉस के पास पहुंचता है। सुनवू कहता है कि मैंने 7 साल कुत्ते की तरह तुम्हारी सेवा की, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बॉस कहता है क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट की। सुनवू को यह जवाब पसंद नहीं आता और वो कहता है कि तुम सचमुच का रीजन बताओ, क्या तुम मुझे सच में मार डालने वाले थे? यहाँ बॉस कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ये सब हिस्सों की वजह से कर रहे हो? अब बॉस की ये बात सुनवू को पसंद नहीं आती इसलिए वो उसे मार डालता है, पर तभी उसे भी गोली लग जाती है। असल में पीछे से बीक ने सुनवू को शूट किया था पर सुनवू अभी होश में था। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू होती है और सुनवू एक एक करके सबको खत्म कर देता है और एक जगह बैठ जाता है। सुनवू को बहुत सारी गोलियां लगी थी। वो जो ऊपर सीलिंग की तरफ देखता है तो उसे कुछ पत्ते नजर आते हैं जो हल्के से हवा के झोंके के साथ लहरा रहे थे और सुनवू को हिस्सों की याद दिला रहे थे। सुनवू हिस्सों को फिर से फोन लगाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो बैठकर हिस्सों के बारे में ही सोचने लगता है। तभी वहां सप्लायर का भाई आता है जिसे अपने भाई की मौत का बदला लेना था और वो सुनवू को शूट करके मार डालता है। इसके साथ ही सुनवू एक प्यारी सी स्माइल होठों पर लिए हिस्सों का प्यारा सा चेहरा याद करता है और मर जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? एक लड़के की एक तरफा प्यार की कहानी। क्या इस दुनिया में प्यार करने वालों के साथ ऐसा ही होता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल फिल्म एडिक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।